एनीमा का है और 50% रोल अपक्व आहार का है, तभी आपकी इम्यूनिटी पावरफुल हो सकती है। तो एनीमा तो करना ही पड़ेगा। जिसका एनीमा प्रॉपर उसका रिजल्ट मुट्ठी में है, जिसका एनीमा प्रॉपर नहीं हुआ उसका रिजल्ट नहीं है। प्रॉपर एनीमा किसको कहते हैं? ये स्टाइल आपको दिखाया गया है कल? नहीं दिखाया है, मैं दिखाती हूँ। सो के प्रॉपर स्टाइल सो के है, बैठ के लिया जाना वाला एनीमा प्रॉपर नहीं है। इससे तो केवल अपने इंटेस्टाइन का एक ही पार्ट क्लियर होता है, लेकिन सच में जो आयुर्वेद में बस्ती दी जाती है वो एनीमा सही है, जो आपका पूरा लार्ज इंटेस्टाइन साफ करता है। तो वो कैसे लिया जाता है मैं बताती हूँ। जैसे कि आप कमोड़ पे बैठे हो, पहले अपने बॉडी को रिलैक्स कर दो, अक्कड़ मत रखो, रिलैक्स। फिर आप रूटीन लेटरिन जाने के बाद ही आपको एनीमा करना है। अगर आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करते हो तो आपको ऐसे बैठना है, इंडियन है तो कोई चिंता की बात ही नहीं है क्योंकि सीधा पाइप चला जाएगा, लेकिन वेस्टर्न में अगर आप बैठे हो तो आपको पहले एनीमा लेने से पहले अपने मल द्वार को पानी से और उंगली से सफाई कीजिए, नाखून को काट दीजिए। पाइल्स, फीसर, भगंदर, ऐसी कोई भी आपको नीचे की बीमारी है तो आप अपना ऑइंटमेंट या कोकोनट ऑयल आप लगा दे। जो भी ऑइंटमेंट आपने डॉक्टर ने दिया है वो भी लगा सकते हैं, कोकोनट का ऑयल भी, जो नारियल का तेल आता है वो, या कोई भी आप थोड़ा सा जो चिकना है ऐसा ऑइंटमेंट आप अपने मल द्वार पे लगा लीजिए और एनीमा की जो पाइप है उसके 5 इंच में आप कोकोनट ऑयल लगा दीजिए। फिर आप जेट स्प्रे चालू कीजिए और अपना मल द्वार थोड़ा उंगली अंदर जाने दे और ऐसे गणेश क्रिया से अपना मल द्वार साफ करें ताकि अपना मल द्वार खुल जाए और कोई भी जो थोड़ा सा भी पुराना मल छिपा है तो वो निकल जाएगा। बस अब आपने जेट स्प्रे से अपना मल द्वार साफ कर दिया, जेट स्प्रे को बंद कर दीजिए। फिर आप एनीमा से उसको टांग दीजिए 4-4.5 फुट हाइट पे और उसका नॉब खोल दीजिए, पानी भरा हुआ है नॉब खोल दीजिए, उसमें से 2-4 चम्मच पानी निकल जाने दीजिए ताकि उसका एयर निकल जाए और फिर आप उसका नॉब बंद कर दीजिए। अब आप अपने हाथ से अपना दो हिप्स है उसको एक हिप ऐसे खींचिए और आगे से या पीछे से, आगे से तो फाए तो हमें तो पीछे से फाता है, बस आप पीछे से एक हिप खींच के ऐसे करके अपनी पाइप डाल दीजिए कमोड़ के बेड पे। पहला एनीमा जरूर आप ऐसे थोड़ी देर के लिए भरे आप सेट हो पाए तब तक आप बैठे रहे, कितने 1-2 सेकंड। अब सेट हो गया, आपने नॉब चालू कर दिया, पोजीशन हमेशा टॉयलेट सीट पे लेनी है, नॉब चालू करो तब तक की। फिर नॉब चालू करके आपको आहिस्ता से बाथरूम में टॉयलेट यानी कमोड़ से उतर के सीधे नमस्कार मुद्रा में बैठ जाना है, सीधा ऐसे। समझ गए? ये है नमस्कार मुद्रा। ऐसे आप एनीमा चढ़ाओगे पानी, ये स्टाइल में आपका पानी ऊपर तक जाएगा, चिंता मत कीजिए इंटेस्टाइन के बाहर नहीं जाएगा। और ये जितना चढ़े उतना चढ़ने दीजिए और अगर प्रेशर बनता है
तो सीधे उठ के बैठ जाइए और प्रेशर नहीं बनता है तो पूरा पॉट अगर चढ़ जाता है तो चढ़ने दीजिए, और अगर एक ही पॉट में आपको स्टाइल चेंज करनी है तो आधा पॉट इस स्टाइल में, और फिर आसानी से बैठ जाइए और लेट जाइए बाथरूम में, ऐसे करके आपकी पाइप निकल ना जाए, ध्यान रखना। ऐसे करके लेफ्ट साइड लेट जाइए और इस स्टाइल में एनिमा कीजिए, ये सही है। एक बार नमस्कार मुद्रा और फिर आप लेफ्ट साइड, फिर ऐसे ही राइट साइड। पूरे इंटेस्टाइन को साफ करने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, आप देख लीजिए पॉट में अगर पानी खत्म हो गया है तो आप यहाँ से पाइप को निकाल दीजिए, और फिर अगर प्रेशर नहीं बनता है तो उस पानी को छाछ की तरह आप हिलाए, पूरे उल्टे हो जाए और ऐसे पूरे पानी को जैसे स्विमिंग करते हैं वैसे 8-10 बार हिलाइए, फिर आहिस्ता से आप किसी भी साइड मुड़ के खड़े हो जाइए और हो सके तो पलाठी लगा के बैठ जाइए, क्योंकि आप पानी को थोड़ा होल्ड करेंगे तो वो ज़्यादा कचरा लेके बाहर आएगा, किसी का पानी अंदर रह भी जाएगा तो आप दोबारा जब पानी चढ़ाओगे तो वो निकल जाएगा। इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि पानी अंदर रुक गया नहीं निकला मैं क्या करूँ, तो ये है सही तरह से लिया जाने वाला एनिमा। आप आज दोपहर को, ये दोपहर को या शाम को आपका जो भी इधर वक्त दिया गया है एनिमा लेने का, वो आप इस स्टाइल में अगर आपकी सुविधा है आपके बाथरूम में तो आप कर सकते हैं। पहला एनिमा टॉयलेट में कर लीजिए अगर कॉमन नहीं है, यानी कि अटैच टॉयलेट बाथरूम नहीं है तो शायद जगह छोटी होगी, अटैच है तो बड़ी है, लेकिन अगर जगह छोटी है तो पहला एनिमा भले आप बैठ के, आप कमर पर बैठ के, लेकिन उसमें भी खड़े हो जाइए। पोजीशन सारी ले ली हमने, नॉब चालू किया तब तक एनिमा की पोजीशन टॉयलेट सीट के ऊपर ही लेनी है, लेकिन फिर आप टॉयलेट छोटा है तो कोई बात नहीं, मुड़ जाइए, अंगूठे पकड़ जो जितने झुक सकते हैं झुक जाइए, और इस स्टाइल में पानी थोड़ा ज़्यादा जाएगा, जो टॉयलेट सीट के ऊपर बैठ के जाएगा उससे ज़्यादा जाएगा। ऐसे लीजिए पहला एनिमा, यानी कि पहली बार ऐसे चढ़ाइए, वो निकल जाए फिर दूसरी बार आप बाथरूम में जाके चढ़ाइए, बाथरूम में तो लेट सकते हैं ना, तो बाथरूम में जाके चढ़ाइए, कुछ बिगड़ेगा तो चिंता मत करना धो देने का। लेकिन एनिमा जब सही करोगे, प्रॉपर करोगे, सो के करोगे, तो ये तीन मुद्राएं मैंने अनुभव से ये किया है कि ये तीन मुद्रा में इंटेस्टाइन पूरा क्लीन हो जाता है और उसमें रिजल्ट बहुत फास्ट मिलता है। तो इसीलिए एनिमा प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। केवल बैठे बैठे एनिमा लोगे तो एक ही पोर्शन साफ होगा, बाकी का क्या, अपने इंटेस्टाइन का जो भी शेप है वो तो पूरा ऐसे है, लेकिन गलत खाना खा के पूरा ऐसा हो गया है, किसी का सेफ ठिकाने नहीं है। तो उसको पानी को भेजने के लिए भी उसके रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, तो हमें स्टाइल को भी बदलना पड़ेगा और बार बार चढ़ाना पड़ेगा। एक ही बार पानी चढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है, ये अंदर जो सब्जी रोटी जमा के बैठे हो ना उसको तो पिघलने के लिए पहले तो पानी के फुहारे लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपका मल पिघलेगा। इसीलिए आपको इधर रस और रस वाली चीज खिलाई जाती है कि अंदर जाके वो तोड़ने का काम करे। कुछ हार्ड आपको दिया जाएगा तो वो खुद चिपक जाएगा और टूटेगा कैसे। इसीलिए सच्चे जो एनडीएस सेमिनार है उसमें सही में वन डे में भले पोहे की आइटम खिलाए, लेकिन लॉन्ग सेमिनार में पोहे की आइटम कम खिलानी चाहिए एक ही बार, और हो सके तो लंबे सेमिनार में दिन में तो रसाहार, फलाहार या सैलेड उसके ऊपर ही रखना चाहिए, भले चटनी वटनी दे दो,
लेकिन पोहे की आइटम नहीं देनी चाहिए क्योंकि उसमें रिजल्ट नहीं है। शाम के टाइम चलो भाई कोई आइटम बना रही और थोड़े से पोहे पीस के किसी बाइंडिंग में डाल दिए थोड़े से, क्योंकि नए नए हो, अगर चॉकलेट नहीं देंगे तो स्कूल नहीं आओ।